بسم الله الرحمن मरे साद, रसूलुल्लाह के नवासे हुसैन ने तुम्हें पैगाम भेजा है कि तुम लोगों ने उनके असहाब भाइयों और चचा के बेटों को शहीद कर दिया। अब वो खैमे में अपने घर वालों और मासूम बच्चों के साथ अकेले रह गए हैं। प्यास ने उनके दिलों में आग लगा दी है, उन्हें थोड़ा पानी पिला दो वरना उनके बच्चे प्यास से मर जाएंगे। ए फर्जंद अबू तराब, अपने भाई से जाकर कहो कि अगर पूरी दुनिया पानी पानी हो जाए और उस पर हमारा कब्जा हो, तब भी हम तुम्हें एक भी कतरा पानी न देंगे, यहाँ तक कि तुम यजीद की बैत कर लो। क्या मुझे जंग की इजाजत है? मेरे भाई अब्बास, तुम मेरे लश्कर के अलमबरदार हो। तुम अगर चले गए तो मेरा लश्कर बिखर जाएगा, मेरी दुनिया ताराज हो जाएगी। मेरी जान आप पर कुर्बान हो, दुनिया की जिंदगी से अब मेरा दिल भर चुका है। अब मैं इन मुनाफिकों से बदला लेना चाहता हूं। बस इन बच्चों के लिए थोड़े पानी का इंतजाम कर दो। तुम्हारे तीरंदाजों की तैयारी कैसी है बेश? हाँ, अफराद की तरफ बढ़ने वाले हर शख्स को रोकने के लिए मेरे सिपाही बिल्कुल तैयार हैं। बेश जान लो, हुसैन और उनके भाई आसानी से अफराद तक पहुंचने की कुदरत रखते हैं, इसलिए बहुत चौकन्ने रहो। आप बेफिक्र हो जाएं सरदार, हमारी पूरी तैयारी है। सरदार, वो अब्बास आ रहे हैं। क्या कहा? अब्बास हमारी तरफ आ रहे हैं? नहीं नहीं मेरे सरदार, वो फरहाद की तरफ जा रहे हैं। फरहाद की तरफ? अच्छा, तो प्यास ने अब्बास को अपनी तरफ खींच लिया। क्या यानी वो पानी ले लेगा? तो हमारे सिपाही कहाँ हैं? परेशान ना हो शिम्र, मैंने 4,000 सिपाही अम्र इब्ने हज्जाज की कमान में
फुरात पर लगा दिए हैं। तैयार हो जाओ, तैयार। हमला करो, हमला। हुसैन ही ना हो तो फिर जिंदगी किस काम की। मेरी कमर टूट गई मेरे भाई, अब
मेरा कोई सहारा ना रहा। अब ताना देने के लिए दुश्मन की ज़बानें खुल गई। हाय अब्बास।